अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबको 12 रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाते हैं हमारे घर का काम कहाँ तक पहुँचा है। काफ़ी टाइम से हम वीडियो डालने की कोशिश कर रहे हैं मगर हम डाल नहीं पा रहे थे क्योंकि हमको बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा था ये वीडियो डालने का। और हमारे हस्बैंड वीडियो भी सही नहीं बना के लाते थे क्योंकि हम तो रोज़ वहाँ पर जाते नहीं थे, हमारे हस्बैंड रोज़ जाते थे तो वो ज़्यादा अच्छी वीडियो बना के नहीं लाते थे, तो फिर ऐसी वीडियो रहती थी। तो फिर आज हमने डाल ही दिया फाइनली। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मट्टियाँ चुकी है पढ़ने के लिए, मगर फ्रेंड जो मिट्टी आई थी वो इतनी गंदी मिट्टी आ गई थी कि उसे वापस कराना पड़ा। तभी JCB आई और वो सारी मिट्टियाँ उठा के लेके गई, तो कुछ दिन इसी में लग गया और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था इसमें, 4 से 5 दिन से मिट्टी हटना। और फिर वो मिट्टी हटने के बाद फिर वहाँ पर नई मिट्टी आना स्टार्ट हुई। और फ्रेंड्स, ये देखिए JCB आई है और मिट्टियाँ सारी उठा रही है यहाँ से। मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदी है, बिल्कुल कूड़े वाली मिट्टी ले आए थे काटने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये है कि कहो तो देख लिया गया, तो तुरंत मिट्टियाँ वापस की गई और फ्रेश मिट्टी लाने के लिए कहा गया। और ये देखिए माशाल्लाह से, ये वहाँ आसपास के घर है जो बन गए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स, ये देखिए मिट्टियाँ पड़ गई हैं और बाउंड्री भी आई साइड की उड़ गई है। मगर फ्रेंड्स, जो ये JCB आई थी तो जब वो मिट्टियाँ उठा रही थी तो उसकी वजह से एक साइड की हम लोगों की बाउंड्री भी टूट गई थी, तो वो वापस फिर से बनी। और ये देखिए इधर टैंक के लिए गड्ढे खुदने स्टार्ट हो गए हैं। और फ्रेंड, काम हमारा बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा घर बन के रेडी हो जाएगा और हम आपको एक फाइनल घर दिखाएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत होगा। हमारे ये मान के चलिए कि वो मेरा ड्रीम हाउस होगा, मेरा सपनों का घर होगा। और फ्रेंड्स, ये देखें माशाल्लाह से बाउंड्री चारों तरफ उड़ गई है, टैंक भी खुद गए हम। और मुझे घर के बारे में तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, क्या कैसे बनता है क्या नहीं, बच्चों हस्बैंड बताते हैं वही मुझे पता चल जाता है। और ये देखिए टैंक में प्लास्टर भी हो गया, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सब हो रहा है काम। और ये देखिए ट्रक ही ट्रक भर के आ रही है साफ मिट्टियाँ, और वो मिट्टियाँ उठा ली गई हैं, वो मिट्टियाँ उठ गई हैं। टैंक में पार्टीशन भी हो गया, अब उसमें प्लास्टर हो रहा है। फ्रेंड्स, इंशाल्लाह अब हम आपको जल्दी जल्दी अपने नए घर की अपडेट देते रहेंगे जो भी बनेगा। फ्रेंड्स, हमारे पर टाइम नहीं मिलता है क्योंकि हमको रमज़ान के भी व्लॉग अपलोड करने रहते हैं, उनको बनाने रहते हैं, इबादत भी करनी रहती है और फिर रोज़ा रखने से थकावट भी हो जाती है तो थक के सो भी जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं अपलोड कर पाते हैं। मगर इंशाल्लाह अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए हम ये ज़रूर करेंगे और उनको अपने नए घर की अपडेट हम जल्दी जल्दी देंगे कि रोज़ तो नहीं दे पाएंगे मगर हाँ 2 से 3 दिन की जब इकट्ठा हो जाएगी हमारे पर वीडियो तो हम आप लोगों को ज़रूर दे देंगे। और फ्रेंड, जब हम डायरेक्ट जाके खुद अपने मोबाइल से वीडियो बनाते हैं तो वो ज़्यादा हमको सही लगती है, वो डालने में भी हमको आसानी लगती है। मगर जब किसी की भेजी हुई वीडियो मोबाइल पे होती है तो वो डालने में मुझे समझ में नहीं आती है क्योंकि मुझे यूट्यूब के लिए डालना होता है, रील्स के लिए नहीं डालना होता है, और ये रील्स के लिए वीडियो बन जाती है। मगर फिर भी फ्रेंड, जैसी वीडियो आई है हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है और इंशाल्लाह आगे शेयर करते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा, हमारी वीडियो देखते रहिएगा और बहुत जल्द यहाँ एक खूबसूरत सा घर आपको दिखेगा इंशाल्लाह, आमीन। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट अपडेट के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआ में याद रखिएगा और मेरे घर के लिए दुआएं कीजिएगा ताकि जल्दी बन जाए। अल्लाह हाफिज़।